हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी जियो फोन नेक्स्ट की, और आप जानते ही होंगे ये स्मार्टफोन अब हो गया है बहुत ही सस्ता। मात्र 4,499 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है। इसके अंदर आपको दी गई है 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर कैमरा 13 MP, फ्रंट कैमरा 8 MP, बैटरी 3500 mAh की। तो आज हम इस पर BGMI गेम का टेस्ट करने वाले हैं। ये है हमारा स्मार्टफोन जिसमें हमने कड़ी मशक्कत करके BGMI गेम को फाइनली डाउनलोड कर लिया है। कई नखरा किया इसने डाउनलोड करते समय, BGMI ने तक बोल दिया कि नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसमें मैं इंस्टॉल नहीं हूंगा। लेकिन फिर भी फाइनली हमने इसमें BGMI गेम को इंस्टॉल कर लिया है, और अब हम प्ले करके देखेंगे इसमें BGMI गेम चलता है या नहीं चलता है। अगर चल जाता है तो मात्र 4,500 रुपए की रेंज में इस स्मार्टफोन में भी आप BGMI गेम का मजा ले सकते हो। जिनका बजट महंगा फोन लेने का नहीं है, जो सिर्फ 5,000 रुपए से कम कीमत में एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और उसमें आप BGMI गेम खेलना चाहते हैं, आज यही हम देखने वाले हैं। क्या ये फोन BGMI गेम को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सब हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी वीडियोस रेगुलर आपके लिए मैं यहां पर लाता रहता हूं। ये रहा जियो फोन नेक्स्ट, जिसमें आपको 5.45 इंच की HD+ IPS LCD दी गई है, और इसका रेजुलेशन है 720x1440 पिक्सल, और डिस्प्ले क्लैरिटी काफी अच्छी आपको इसमें मिल जाती है। बैक पैनल में प्लास्टिक बॉडी दी गई है, कोई फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं मिलता है। रियर में एक सिंगल कैमरा 13 MP का दिया गया है। जस्ट ऊपर आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए मिल जाता है, और स्पीकर ग्रिल आपको बैक साइड में यहां पर दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल काफी मोटा लगता है, और बैटरी आपको इसमें इनबिल्ट नहीं मिलती है, अलग से लगानी पड़ती है। इसका कवर आप ओपन कर सकते हैं, ये 3500 mAh की बैटरी यहां पर लगी हुई है। दो सिम कार्ड आप इस पर लगा सकते हैं, फर्स्ट स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ जियो सिम ही यूज होगा, और उसी से आप इंटरनेट का यूज भी कर सकते हैं। हमने इस पर अभी वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। तो BGMI गेम को हमने इसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और टाइमर की मदद से देखेंगे कितना टाइम ये लॉबी तक आने में लेता है। 3, 2, 1, go! Go! Let's go! Let's go! तो फ्रेंड्स, लॉबी तक आने में हमें पूरे के पूरे 1 मिनट 43 सेकंड का टाइम लगा, जो कि काफी ज्यादा होता है। तो अब हम आ गए हैं लॉबी में। सबसे पहले आपको सेटिंग यहां पर चेक करके दिखा देते हैं, और यहां पर जो सेटिंग है इसे हमने ओपन कर लिया है। टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा। यहां से आप कंट्रोल सेट कर सकते हैं। ग्राफिक सेटिंग में हम चले जाते हैं, तो यहां ग्राफिक सेटिंग आपको दिखा देते हैं। काफी सारे ऑप्शन यहां पर खुले हुए हैं, देखते हैं कौन कौन सा काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। स्मूथ का ऑप्शन अभी यहां पर ऑलरेडी सेट है। बैलेंस में भी आप खेल सकते हैं, HD में आप नहीं खेल सकते। बाकी फ्रेम रेट को आप लो रखिए या मीडियम रखिए, तो हम यहां पर लो ही रखते हैं ताकि हमारा ठीक ठाक चल जाए गेम। इसके अलावा नीचे आपको स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप यहां पर कलरफुल कर सकते हो, रियलिस्टिक, सॉफ्ट मूवी, या फिर हम क्लासिक को ही सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको जायरो का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब हम गेम प्ले करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले यहां भी टाइमर सेट कर लेते हैं, कितना टाइम यहां पर लेता है ये ऑन होने में। तो ये स्टार्ट हो गया है। Enemies ahead. Let's go. So finally हम आ गए हैं 50 सेकंड के बाद जहां हमने जहाज में बैठना है। तो वर्क तो कर रहा है, देख सकते हैं यहां पर ठीक ठाक चल रहा है। और रुक गया जी, सीधे जहाज में चले गए, देखिए दोस्तों। तो अब हम जहाज से कूद मारेंगे। तो अभी तो ये सिखा रहा है, अभी शुरू शुरू का जो गेम प्ले होता है उसमें ये सब कुछ आपको बताता है। तो चलिए नीचे कहीं चलते हैं जहां भी अच्छा हो। ऊपर से मकाने बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, बस हल्के हल्के से कोई बड़ी मकान होगी वही आपको नजर आ रही है। और ये हम लैंडिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा पैरासूट खुल गया है ऑटोमेटिक। और अब मकाने बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है अभी भी, बिल्कुल नीचे पहुंच के अब देखो दोस्तों ये मकाने अब दिखनी शुरू हुई है। तो देखते हैं, यहाँ पर साउंड लगता है बंद हो रखा है, इसका साउंड भी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों लैग तो बहुत ज्यादा कर रहा है दोस्तों ये। यहाँ पर आप दरवाजा खोल के हम थोड़े से एमओ इकट्ठा कर लेते हैं ताकि कोई दुश्मन मिले तो उस, अरे ये अटक रहा है बार बार, चल तो रहा है लेकिन बीच बीच में लैग काफी ज्यादा हो रहा है।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो नॉर्मली ठीक ठाक गेम प्ले हो रहा है, हल्का फुल्का लैग इशू तो आ रहा है, लेकिन 4,500 रुपए का ये स्मार्टफोन बीजीएमआई गेम को चला रहा है, यही बहुत है। चलिए दोस्तों गाड़ी चला के देखते हैं कैसी ये गाड़ी चलती है। सही चल रहा है वैसे गेम। तो फ्रेंड्स एक घायल सैनिक हमें मिला है, इसे हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, देखते हैं कहां तक इसे पहुंचाते हैं। अरे ये तो दुश्मन है दोस्तों, इसे तो हमें मारना है, तो यहां पर हम बीच रोड में लाग के इसे मारते हैं। तो हमारी शॉर्ट गन और ये हमारा दुश्मन और अले अले, तो इसे हमने किल कर दिया। तो ये हमारा इस फोन से पहला किल जो हमें आसानी से मिल गया शॉर्ट गन की मदद से। और यार दोस्तों वैसे सही चल रहा है गेम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का लैग होता है दोस्तों, हीटिंग इशू देखते हैं। तो जी हाँ ये कैमरा का जितना पोर्शन है यहाँ पर काफी ज्यादा हीट हो गया ये, तो इतना तो हम कवर कर सकते हैं, वैसी कोई इशू नहीं है। तो अब हम दुश्मन ढूंढने चलते हैं, आई थिंक यहाँ ऊपर पक्का कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा हमें। अरे अटक गया था बीच में, अरे एकदम से मिल गया दुश्मन हमें, अटैक हो गया सीधा। सो फाइनली हम अपनी फेवरेट जगह आ गए हैं और हमारे ऊपर सीधे अटैक, एक बोट का अटैक, और देखते हैं ये बोट हमें कहां तक उड़ाता है। इसको भी हम हॉस्पिटल ले चलेंगे, इसकी मरम पट्टी या फिर इसका कोई दोस्त आता है तो इसे बचाने के लिए आ जाएगा। तो ये जा कहां रहा है, चलिए हम तुझे गाड़ी में बिठाते हैं। शायद से पूरा पोचंकी में मैं ही अकेला बचा हूं, बाकी कहां गए, अभी भी 53 यहां पर जिंदा घूम रहे हैं मगर मिल नहीं रहे पोचंकी में, तो पोचंकी से बाहर जाना पड़ेगा। चलिए हम गाड़ी पकड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे चलता है गेम। तो ये हमने गाड़ी को गया बैक, फिर आगे का गियर किया और फल का लैग हुआ हमें पता नहीं लगा, लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है। और ये देखिए फिर से लैग हो गया, तो बीच बीच में थोड़ा सा गेम फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं और लैग इशू तो आ ही रहा है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी तो रोड पे चल रही है। तो ये रोड कहाँ जाती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ जॉर्ज पुल पहुंचे तो यहाँ लग गया है जोन, और अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है और 10 बंदे और हैं हम दोनों को मिला के, जिन्हें जिन 8 को हमें अभी किल करना है और कहीं दिख नहीं रहे हैं, लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है ये बीच बीच में। अब बहुत ही छोटा सा जोन बचा हुआ है और इसी के अंदर अभी हम हैं, देखते हैं क्या हम चिकन डिनर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाई कोई बंदा दिखता है अगर तो मैं AWM से ऐसा शॉट मारूंगा उसकी खोपड़ी में।
तो फ्रेंड्स काफी लंबा टाइम हो गया है, बस एक बंदा बचा हुआ है, उसके बाद हम चिकन डिनर। दोस्तों थोड़ा बहुत लैग जरूर हो रहा है, गेम खेलने में काफी दिक्कत आ रही है, आप एम सही से नहीं लगा पाओगे इस स्मार्टफोन में। अगर कुछ दिन लगातार खेलते हो उसके बाद तो आदत हो जाएगी, जिससे आप अच्छे से इसमें प्ले कर सकते हैं। गेम पूरा चल रहा है, देखिए दोस्तों हमने शुरुआत से इसमें गेम खेला है। ये देखिए बंदा आ गया है और यहाँ पर मैं एम, अरे वाह हो गया, बातें करते करते यहाँ पर हम चिकन डिनर भी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने इसमें पूरा लास्ट तक गेम को खेला, सिर्फ और सिर्फ मैंने 6 किल किए, मेरे दोस्त ने मुझसे ज़्यादा किए होंगे शायद से, 2 नंबर वाला जो दोस्त है वो यहाँ पर है। तो गेम खेलने में तो मज़ा आया। अरे ये क्या है, ये गजब है यार, यहाँ पर बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ मैं BGMI गेम, और ये मेरा दोस्त है और हम दोनों ने मिल के यहाँ पर चिकन डिनर कर लिया है, वो भी जियोफोन नेक्स्ट में। तो आपको अगर नॉर्मली गेम खेलना हो तो खेल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चला रहा है गेम, हीटिंग इशू तो आएगा ही आएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हीट जरूर हो गया।